चलो पहला सेंटेंस है टेबल पे कलम नहीं है, ठीक। तो टेबल पे नहीं है तो इसकी इंग्लिश तुमने क्या बनाया है, देयर इज नो पेन, देयर इज नो पेन ऑन द टेबल, ठीक है। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं, देखते हैं। घर में पंखा नहीं है तो इसकी इंग्लिश तुमने बनाई है, देयर इज नो फैन इन द होम, ठीक है। वहाँ कोई नहीं है, वहाँ कोई नहीं है, देयर इज नो नो वन, देयर इज नो एनी वन, यहाँ पे इसको करेंगे हम एनी वन करेंगे, देयर इज नो एनी वन, ठीक। अब ये जो वहाँ है ना, इस वहाँ के लिए अलग से एक बार फिर से देयर लग जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, वहाँ लड़कियाँ नहीं थी, नहीं थी वाली बात है तो इसमें क्या करते हैं, ये यहाँ पे आएगा देयर, ठीक है। देयर के बाद क्या आएगा, वर, देयर वर नो गर्ल्स। अब वहाँ के लिए फिर से लग जाएगा एक बार देयर। यहाँ पे क्या समझना है कि वहाँ की अंग्रेजी देयर होती है, ये देयर किस लिए आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, सब्जेक्ट नहीं है, पॉइंट क्लियर है। इसके आगे चलते हैं, एक भी राजा नहीं था, एक भी राजा नहीं था तो हो जाएगा, देयर इज नो एनी किंग। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश बनाएंगे, देयर इज नो एनी किंग, एक भी राजा नहीं था, ये गलत हो गया इसमें, ठीक, ये ठीक है। मेरे घर में कंप्यूटर नहीं है, मेरे घर में कंप्यूटर नहीं है तो मेरे घर में, ये उठ के पीछे जाएगा, कंप्यूटर नहीं है तो इसको क्या बनाएंगे, देयर इज नो, देयर इज नो कंप्यूटर, ठीक, देयर इज नो कंप्यूटर कहाँ नहीं है, मेरे घर में, इन माई होम, इन माई होम। अब इसके आगे चलते हैं, उस जंगल में बाघ नहीं है तो इसमें क्या बनाएंगे, उस जंगल में बाद में जाएगा, बाघ नहीं है तो देयर इज नो टाइगर, कहाँ नहीं है, उस जंगल में, इन दैट फॉरेस्ट, सर यही तो लिखा है मैंने, ठीक, देयर इज नो टाइगर इन दैट फॉरेस्ट, चलो ठीक है। मेरे स्कूल में पुस्तकालय नहीं है, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, तो मेरे स्कूल में बाद में जाएगा तो देयर इज नो लाइब्रेरी इन माई स्कूल, यहाँ पे ये डाल देंगे, ये स्कूल हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, टंकी में पानी नहीं है, टंकी में पानी नहीं है तो देयर इज नो वाटर इन द टैंक, बिल्कुल सही है ये। अब हम अगला चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, नेक्स्ट पेज को चलते हैं, नेक्स्ट पेज को देख लेते हैं। इसमें सेंटेंस आ गया, एक लड़की थी, एक लड़की थी में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे देयर, टी एच ई आर ई, देयर वॉज, ठीक है, देयर वॉज अ गर्ल। एक छात्र है तो सिंपल सी है, एक छात्र है, छात्र का मतलब हो जाता है, ये छात्र लिखा हुआ उसमें मिस्टेक था उसमें, तो एक छात्र है तो देयर इज ए स्टूडेंट, देयर इज ए स्टूडेंट हो जाएगा। एक बहुत क्रूर राजा है, ठीक, क्रूर का क्रूर ही होता है तो देयर इज अ वेरी क्रूर क्रूर किंग, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, इसके आगे देख लेते हैं, एक उस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर है, उस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर है, ठीक, तो इसमें हम क्या लेंगे, देयर इज वेरी डेंजरस एनिमल इन दैट फॉरेस्ट, ये लिखा है तुमने, देयर इज ए वेरी डेंजरस एनिमल इन दैट फॉरेस्ट, ये भी ठीक है। उस घर में कोई है तो इसका हो जाएगा, देयर इज समवन मतलब कोई, ठीक, कोई है, देयर इज समवन, कहाँ पे है, उस घर में, तो इन दैट होम, ठीक। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे देखते हैं,
इसके आगे हमारे क्लास में 5 छात्र हैं। हमारे क्लास में है ना, हमारी क्लास में है, ठीक। तो क्लास क्या हमारे पास एक है, यहाँ पर छात्र ज़्यादा है तो क्या लेंगे, देयर आर 5 स्टूडेंट्स। इधर देखो, देयर आर 5 स्टूडेंट्स हमारे क्लास में इन आवर क्लास। चले आगे देखते, देखो मेरे स्कूल में केवल एक शिक्षक है। मेरे स्कूल में है तो इसमें क्या करेंगे, केवल एक शिक्षक है तो इसको लेंगे देयर इज ओनली क्यों लगाया, केवल के लिए, देयर इज ओनली वन क्या फिर टीचर कहाँ पे है, मेरे स्कूल में, इन माई स्कूल, ठीक। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे है एक कलम है, ये रिपीट हो रहा है फिर से, एक कलम है तो इसमें क्या होगा, देयर इज अ पेन। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे देयर इज लगाओगे, देयर इज अ पेन। दो किताबें हैं तो इसमें लेंगे देयर आर टू बुक्स, ठीक है। आगे चले, वहाँ गायें हैं तो गाय मतलब कौ, तो क्या लेंगे, वहाँ गाय हैं तो इस देर के लिए देर लगा देंगे, वहाँ गाय हैं, देर आर सी ओ डब्ल्यू एस कॉस कहाँ पे है, देर। यहाँ एक घर था, देर वॉज अ हाउस भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया यहाँ की इंग्लिश क्या होती है, हियर, H-E-R-E, हियर, ठीक। आगे चलते हैं, एक टूटी हुई घड़ी है। देखो, टूटी हुई घड़ी को बोलते हैं ब्रोकन वॉच हो जाता है, ठीक। तो एक टूटी हुई घड़ी है, देयर इज अ, ये हॉलीडे नहीं, हॉलीडे मतलब छुट्टी हो जाता है, यहाँ छुट्टी नहीं हो रहा, यहाँ टूटा हुआ है, तो क्या लेंगे, देयर इज ए ब्रोकन वॉच मतलब घड़ी, ठीक। आगे है मेरे गांव में एक छोटी सी नदी है, नदी का मतलब रिवर, देयर इज अ स्मॉल रिवर इन माई विलेज, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक। मेरे स्कूल में एक पुस्तकालय है, तो नॉर्मल सी बात वही आ जाएगी, देयर इज, यहाँ पे देयर लगाओ, देयर इज ए, इसे पूरे काट दे, चलो फिर से लिखते हैं, देयर इज ए लाइब्रेरी, देयर इज अ लाइब्रेरी, ठीक है। कहाँ है, एक पुस्तकालय है, कहाँ है, मेरे स्कूल में, इन माई स्कूल, ठीक। यहाँ कोई है, तो यहाँ कोई है का देयर इज समवन, देयर इज समवन हेयर, ठीक। एक लड़की थी, अगर इसकी बनाएंगे एक लड़की थी तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, देयर वॉज क्यों लगाया, थी के लिए, तो देयर वॉज ए गर्ल, देयर वॉज अ गर्ल, एक लड़की थी। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये होमवर्क कंप्लीट हो गया, ओके।